हेलो फ्रेंड्स, फैशन विद प्रीत में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज करके उनसे कुछ नए तरह के नए फैशन के क्लोथ्स बनवा सकते हैं या फिर आप खुद भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपके पास भी काफी सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं जिन्हें अब आप और नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप उन्हें फेंकने की बजाय उनसे रीयूज करके बहुत ही सुंदर कपड़े बनवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ वो है ये नेट की साड़ी। आप देख सकते हैं ये नेट की साड़ी है और इस पे इस तरह का गोल्डन वर्क किया हुआ है। ये इसका बॉर्डर है, यानी कि जो हमारा पल्लू रहता है वो इस तरह का है। ये इसका काफी हैवी पल्लू है और इसपे इस तरह की ये लेस लगी हुई है। इसपे भी वर्क किया हुआ है, पर्पल कलर का हमारा ये बॉर्डर है। तो इस तरह की साड़ी अगर आपके पास है तो आप इससे बहुत ही सुंदर लहंगा चोली बनवा सकते हैं। और जो आपका लहंगा रहेगा वो हम इस नेट के कपड़े से बनवा लेंगे और जो ऊपर की चोली होगी वो हम इसमें जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है इस तरह का हम प्लेन पर्पल कलर का हम क्रॉप टॉप बनवाकर उसपे इस बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी साड़ी में जो है इस तरह का नीचे बॉर्डर भी लगा हुआ है। और अगर आपको लहंगा चोली नहीं बनवाना है तो आप इसका इस तरह से गरारा भी बनवा सकते हैं, क्योंकि गरारा आजकल जो है काफी फैशन में है। और गरारा आप इसका नीचे का जो ये हमारा बॉर्डर है ये हम गरारा की शॉर्ट कुर्ती बनवाकर उस पे लगा सकते हैं। और जो साइड का हमारा बॉर्डर है उसे यूज करके हम एक हैवी दुपट्टा मैचिंग कलर का इस तरह से बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको आइडिया बताने जा रही हूँ वो है इस तरह की कुर्ती। ये हमारी कुर्ती है, आप देख सकते हैं इस पे बहुत ही सुंदर ये इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। ये इस तरह की लेस लगी हुई है। अगर आपके पास कोई प्लेन साड़ी है तो आप प्लेन साड़ी से इस तरह की कुर्ती बनवा सकते हैं और अंदर आपको लाइनिंग लगवानी पड़ेगी अगर आपकी साड़ी काफी पतली है। और जो साड़ी का बॉर्डर होता है वो हम इस तरह से हमारे नेक पर और हमारी स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर कुर्ती हमारी बनकर रेडी होगी। अगर आपके पास नेट की साड़ी है और उससे आप कुर्ती बनवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की कुर्ती आप बनवा सकते हैं। और उसके नीचे आप पलाजो या फिर आप नॉर्मल पैंट्स चलती हैं आप पैंट्स भी बनवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको आइडिया बताने जा रही हूँ वो है एक दुपट्टे का आइडिया। आपके जो साड़ी का जो पल्लू होता है वो काफी हैवी होता है, तो हम हैवी पल्लू की जो हमारी साड़ी है उससे हैवी दुपट्टे, या फिर अगर प्लेन साड़ी है हमारी तो हम हमारी प्लेन साड़ी से भी इस तरह का दुपट्टा बना सकते हैं। और दुपट्टे के साइड्स में हम इस तरह से कोई लेस, जैसे कि ये गोल्डन लेस है, गोल्डन लेस लगवा सकते हैं। या फिर अगर साड़ी पे कुछ अच्छा सा बॉर्डर बना हुआ है तो चारों तरफ या फिर जितना हमारे पास बॉर्डर का कपड़ा है उतना लेकर के हम बॉर्डर रेडी कर सकते हैं। और इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम टैसल्स लगा सकते हैं, जैसे कि इस दुपट्टे में आप देख सकते हैं टैसल्स बने हुए हैं। और नेक्स्ट मैं आपको जो आइडिया बता रही हूँ वो है एक टॉप। मेरे पास ये टॉप है। अब जॉर्जेट की या शिफॉन की जो साड़ियां होती हैं उनसे इस तरह के टॉप्स बनवा सकते हैं जीन्स के साथ पहनने के लिए। ये बहुत ही सुंदर बनते हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छा टॉप है मेरा। इस तरह के आप टॉप भी बनवा सकते हैं, ये पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर जॉर्जेट की साड़ी है, शिफॉन की है, तो इसके नीचे आप लाइनिंग लगवा सकते हैं या फिर आप इसके नीचे कोई अलग कपड़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपके पास काफी सारी कॉटन की साड़ियां पड़ी हैं तो कॉटन की साड़ियों से आप इस तरह के वन पीसेस बनवा सकते हैं। वन पीस बहुत ही अच्छे लगते हैं साड़ी के, क्योंकि वन पीस के लिए काफी सारा कपड़ा चाहिए होता है, इसके घेर में काफी कपड़ा लगता है और साड़ी में हमें 6 मीटर 5.5 मीटर तक का कपड़ा मिल जाता है, तो इससे हमारा वन पीस बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हैं कुछ मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ कुछ डिजाइन, आप इस तरह से डिजाइन करके भी वन पीसेस बनवा सकते हैं।
और अगर आपको वन पीस नहीं बनवाना है, अगर आपको स्कर्ट पहनने का शौक है, तो आजकल लॉन्ग स्कर्ट्स जो हैं वो भी काफी फैशन में हैं और ये हमें 700 to 800 तक मिलती हैं। आप चाहें तो अपनी पुरानी कॉटन की साड़ी या कोई प्रिंटेड साड़ी है आपके पास, जॉर्जेट, सिफोन या किसी भी तरह की कोई साड़ी है जो आप अभी नहीं पहनते हैं, तो उससे आप इस तरह के काफी सुंदर लॉन्ग स्कर्ट्स आप बनवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पलाजो। अगर आपको साड़ी से स्कर्ट्स, सूट या लहंगा चोली नहीं बनवाना है तो आप पलाजो बना सकते हैं। इस तरह का आप पलाजो बनाकर रेडी कर सकते हैं। पलाजो भी काफी आजकल फैशन में है, तो आप अपनी हैवी साड़ियों से या फिर आप नॉर्मल किसी भी साड़ी से बहुत ही सुंदर पलाजो बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो है शॉर्ट ड्रेसेस। आजकल शॉर्ट ड्रेसेस भी काफी ज्यादा फैशन में है, तो कुछ इस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस अगर आप पसंद करते हैं तो आप अपनी सिल्क की साड़ी से या कॉटन की साड़ी से भी इस तरह के वन पीसेस आप बनवा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये आजकल फैशन में भी है। अगर आपको सूट्स पसंद हैं, यानी कि पंजाबी सलवार सूट पसंद है, तो आप अपनी कॉटन की साड़ियों से या सिल्क की साड़ियों से इस तरह के डिजाइन करके बहुत ही सुंदर सलवार सूट या फिर सूट प्लस पलाजो इस तरह की आप ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल फैशन विद प्रीत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये साड़ी के रीयूज के आइडियाज पसंद आए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।